हेलो एंड वेलकम टू प्राइम एजुकेशन जयपुर। अनलॉक 4.0 30 सितंबर तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज नई दिल्ली। केंद्र सरकार की तरफ से अनलॉक 4.0 को लेकर शनिवार को जारी गाइडलाइंस में कोविड-19 को लेकर देशव्यापी प्रतिबंधों में कई छूट देते हुए बड़ी राहत दी गई है। ईमेल पर आए प्रवेश पत्र में जन्मतिथि गलत, BFDC की साइट नहीं चलने से अभ्यर्थी परेशान, मोहनगढ़। विद्यालय में देरी से आए और घर जल्दी लौट रहे गुरुजी, नौगावा। सरकारी विद्यालयों के 30,000 विद्यार्थियों को मिलेगी निशुल्क शिक्षा, जैसलमेर। जिले के गांधी कॉलोनी स्थित जागृति क्लास में शिक्षण संस्थान की शुक्रवार को हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि जागृति क्लास में जोधपुर के कोचिंग संस्थान परिश्रम एकेडमी के साथ जैसलमेर जिले के समस्त गांव और ढाणियों के सरकारी विद्यालयों के जरूरतमंद और होनहार विद्यार्थियों को जागृति क्लास फेज के ऐप के माध्यम से निःशुल्क अध्ययन करवाया जाएगा। छोटे बच्चों को मिलेंगे ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड प्रमाण पत्र, होनहार संस्थान में रखा जाएगा सरकारी विद्यालयों का स्तर। श्री गंगानगर प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों के शिक्षा के अधिगम में निरंतर सुधार व गुणवत्ता लाने के लिए विद्यार्थियों से विद्यालय से जुड़ी समस्त शैक्षणिक व सह शैक्षणिक गतिविधियों का फोकस विद्यार्थी की उपलब्धि पर केंद्रित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार पर राज्य स्तर पर एक पहल जो है अभिनव पहल की गई है। शुरू हुआ बोर्ड का कंट्रोल रूम सप्लीमेंट्री एग्जाम 3 से, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं की सप्लीमेंट्री एग्जाम्स। IIT इंदौर में संस्कृत में हो रही प्राचीन भारतीय विज्ञान की पढ़ाई, आज दुनिया के 750 से ज्यादा छात्रों ने दिखाई रुचि। इंदौर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT इंदौर ने एक नई पहल की जिस दुनिया भर में चर्चा हो रही है। नीट JEE 22.5 लाख पोस्ट के साथ ट्विटर पर पूरी दुनिया में टॉप ट्रेंड रहा हैशटैग स्पीक्स फॉर स्टूडेंट्स सेफ्टी। न्यू दिल्ली गैर भाजपा शासित राज्य शुक्रवार को जहां JEE नीट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए, वह सोशल मीडिया पर इसके विरोध ने जोर पकड़ा। प्रदेश में 8 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स देंगे फाइनल ईयर की परीक्षा, अधिकारी को दिए आवश्यक निर्देश। श्रीगंगानगर क्लेट फिर वास्तवित, अब 28 को परीक्षा। JEE और नीट परीक्षाओं में कोताही, राज्यों को पड़ेगी भारी, केंद्र ने व्यवस्थाओं को लेकर फिर किया आगाह। नई दिल्ली अनलॉक 4, केंद्र सरकार ने जारी की गाइडलाइन, शुरू होगी मेट्रो, बंद रहेंगे स्कूल, यह रहेंगे बंद सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजक पार्क, थिएटर, ये चारों बंद रहेंगे, इनको मिलेगी इजाजत। सामूहिक कार्यक्रम को सशर्त इजाजत, आने जाने पर कोई रोक नहीं, ओपन एयर थिएटर को इजाजत। नई दिल्ली अब सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को मिड डे मील के अलावा नाश्ता भी देंगे। नई शिक्षा नीति, ऐसी जगह जहां विद्यार्थियों तक गर्म खाना पहुंचना संभव नहीं होगा वहां मूंगफली, चना, गुड़ व फलों का होगा इस्तेमाल। भीलवाड़ा प्रदेश में 8 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स देंगे फाइनल ईयर की परीक्षा, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। श्रीगंगानगर नई शिक्षा नीति से बदलेगा स्कूल एजुकेशन सिस्टम, सुधरेगा शिक्षा स्तर, 3 स्तर पर परखा जाएगा बच्चों का परफॉर्मेंस। अजमेर आसान होगी बोर्ड परीक्षाएं। जीवन और शिक्षा की अग्नि परीक्षा, चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति, नियमित नियुक्ति देगा सरकार। सांसद अलवर सांसद महंत बालकनाथ योगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर कहा कि प्रयोगशाला सहायक 2018 के 1534 चयनित अभ्यर्थियों को शीघ्र नियमित नियुक्ति दी जानी चाहिए। क्लेट फिर हुआ स्थगित, अब 28 सितंबर को परीक्षा। श्रीगंगानगर नो स्कूल नो फीस को लेकर पहली बार 31 अगस्त को राजस्थान बंद, व्यापार मंडल करने से नाकाम मिला, अभिभावकों को समर्थन। जयपुर मिला व्यापार मंडल का समर्थन। स्कूल कॉलेज रहेंगे अभी बंद, 7 सितंबर फिर चलेगी मेट्रो रेल। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 के लिए गाइडलाइन जारी की, 21 सितंबर से 100 लोगों की लिमिट के साथ राजनीतिक धार्मिक कार्यक्रम हो सकेंगे। अनलॉक 4 की गाइडलाइन से जुड़ी कुछ मुख्य बातें, मेट्रो सर्विस 5 महीने बाद शुरू, 100 लोगों के लिमिट के साथ इस तरह के हर तरह के जमावड़े को इजाजत। स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे क्या, बार बार लॉकडाउन नहीं लगेगा देश में अभी क्या।